हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ नरेश शर्मा वंस अगेन। थोड़े सामने अज का जरा टॉपिक लेके मैं फिर हाजिर हाँ। आज का जरा टॉपिक है वो ना तो कोई एक्टिविटी है, ना ही कोई MCQ है, ना ही कोई लैक्चर मैं दे रहा। तो मैं आज लाइव दे विच जरा है सोलर सेल्स दिखा रहा, सोलर पैनल दिखा रहा। सो सूरज की ऊर्जा तुम्हें पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, पर ऊर्जा एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म के आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इतें की हो रहा है, ये जो सोलर सैल है यह सूरजी ऊर्जा को बिजली ऊर्जा के कन्वर्ट कर रहा है। सो ये जरा स्क्रीन के उत्ते वेख पा रहे हो, ये सोलर सैल्स नाल मिलकर आज तुम वेखो ध्यान के नाल। इतने जो देख पा रहे हो निके निके जे पीसिस ने, ये सारे पीसिस का बने हुए हैं, ये सोलर सैल्स ने। एक केंद्र बने होंगे, ये सिलीकोन नाम के पदार्थ नाल बने होंगे, सिलीकोन का बनता है और उन्होंने सैल्स में जोड़ के जोड़ा है वो एक पैनल बन जाता है। सो इतने तुम वेख पा रहे हो स्क्रीन के उत्ते देर आर 10 पैनल बने हुए हैं और फिर इन्होंने सारे पैनल्स में आपस के सीरीज़ के जोड़ दिया जाता है। और तुम्हें मैं पिछों दिखा देना किमें जोड़िया गया इसनों, तुम देख सकते हो कि ये वायरस के नाल इसनों थले पिछे जोड़ दिता जाता है, सारे सीरीज़ भी जोड़ दिता जाता है। और फिर जी जरा जो बिजली बनती है वह बिजली फिर जी है वह थले जी है उस या तो बैटरी चार्ज कर सकते हैं या वो डायरैक्टली आप बिजली विभाग को दे सकते हैं। सो उस दे बेसिस से दो तरह का होंगे है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब कि आप बिजली बना के सरकार को दे देवे, और ऑफ ग्रिड का मतलब है कि आप बिजली बैटरी चार्ज कर लवेंगे और डायरैक्टली घर के यूज़ कर लवेंगे। सो हूँ एक प्रश्न पैदा होंगे है थोड़े मन के, प्रश्न आना चाहिए कि इसमें टेढ़ा क्यों लगाया गया, सलांटिंग लगाया जाता है इसनों। सलांटिंग लगभग 45 डिग्री के एंगल से इसमें लगाया जाता है धरती के नाल, सरफेस के नाल, ताकि इस दे उत्ते जिहड़ी रोशनी है वो मैक्सिमम पैंदी रहे। और जिथे तक डायरैक्शन का सवाल है, डायरैक्शन इसकी इस तरह रखी जाती है कि इस दे उत्ते मैक्सिमम लाइट पे। सो इत्थे जिहड़ा है इसनों साउथ डायरैक्शन के लगाया गया है, साउथ वाले पासे है, ताकि ईस्ट विचों सूरज निकलेगा और मैक्सिमम टाइम इन उत्ते जिहड़ी धुप्प जिहड़ी है वह पैंदी रहेगी। सो इस दे उपर जिहड़ा है, सो इस दे विच तुसीं इक क्वेश्चन तुहाडे लई होर भी है, इस दे विच तुसीं वेखो इहदे विच वाइट वाइट कुछ लाइनस तुहानूं दिखाई दे रही ने। सो एक क्वेश्चन तुहाडे वास्ते है, तुसीं नैट दे उत्ते सर्च करना है या तुसीं आपदे टीचर नूं पुछना है कि वाइट जिहड़ी लाइनस ने किस चीज़ दी लाइनस ने और क्यों लगाईआं जांदीआं ने। तुहाडे वास्ते मैं एक क्वेश्चन तुहानूं छड्ड के जा रहा तुहाडे वास्ते। सो इस तरीके नाल जिहड़ा है आपां सूरजी ऊर्जा नूं किस दे विच बदल सकते हैं, बिजली ऊर्जा दे विच, बिजली ऊर्जा दे विच बदल सकते हैं। एक बिल्कुल क्लीन जड़ा है वो अपने वास्ते एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बेनीफिट्स बहुत ने जी, मुफ्त है बिल्कुल सारा, सूरज की लाइट तो मुफ्त ही मिलती है आप सारे, कोई धुआं नहीं होंदा, कोई जलाना नहीं, कोई कुछ नहीं, इसका बहुत सारे बेनीफिट्स हैं। नेचर वास्ते बहुत अच्छा है, कुदरत वास्ते बहुत अच्छा है, लेकिन इस ही कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक थोड़ा जहाँ इसका एक तो यह है कि रात के टाइम इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, या जो बदल हो, मौसम ठंडा हो, जिदन बदल होन आसमान दे विच उदों ये काम नहीं करता। मोर ओवर थोड़ी जी इसकी इनिशियल कॉस्ट जी होंदी है वो जी और काफ़ी ज़्यादा होंदी है, लेकिन फिर भी एक मॉडर्न टेक्नीक है, आपां नूं मैक्सिमम सूरज ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए है। सो आई थिंक तुहानूं जिहड़ा है ये टॉपिक अच्छा लगेगा, तुसीं अज लाइव दे विच सचमुच दे विच जिहड़ा है वो सोलर सिस्टम वेख लिया है कि सोलर सिस्टम किवें हुंदा है। और इस दे नाल ही जिहड़ा है आपां इस तो बाद दो जिहड़े क्वेश्चन आपां होर ऐसे सोलर सिस्टम के उत्ते नैक्सट लैक्चर के करांगे। इत्थे तुसीं वेख सकते हो कि अपने कोल जिहड़ा इत्थे है 13 प्लेट्स का जिहड़ा सिस्टम बनाया गया है। 13 प्लेट का मतलब 400 वाट एक प्लेट की कपैसिटी है, यानी कि 5.2 किलोवाट जिहड़ा है ये कपैसिटी का सिस्टम है, और इस दे नाल जिहड़ी है वो बिजली बनाई जाती है, और इस दे नाल बड़ी क्लीन आपां नूं एनर्जी मिलती है बिल्कुल, और उस दे नाल आपां अपने बिजली की जरूरतों पूरा कर सकते हैं। सो आई होप तुहानू अज का टॉपिक पसंद आया होगा होगा। सो फिर मिलांगे एक नवे वीडियो के नाल, तद तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड स्टे सेफ।